प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। कहो भैया, बहुत दिन पर आइली है, कोई विशेष बात है? हाँ हाँ दीदी, विशेष बात है। सुन ली है, मदर यूनिट में टीकाकरण के काम वहाँ बहुत अच्छा ढंग से करे छी, वह समझे और सीखे ली। सही है भैया, सुन ली है, हम समझा दे। अच्छा दीदी, मदर यूनिट में टीकाकरण के बारे में जानकारी देवे से पहले थोड़ा अपन परिचय दे देती तो ठीक रहती। ठीक है भैया, अपन परिचय हम दे थी। ठीक, हमारा नाम है रेणु देवी, जय माँ जीविका स्वयं सहायता समूह के हम कोषाध्यक्ष हती आ क्रांति CLF के खरीदारी कमेटी हती। मैं घर पोखरैरा है, ब्लॉक सरैया है। अच्छा दीदी, परिचय तो बहुत बढ़िया ढंग से दे लिया है। मदर यूनिट के टीकाकरण के बारे में जो समझे अली है दीदी, तो इसमें सबसे पहले कौन चीज़ पर ध्यान देवे के होती, कौन बात पर ध्यान देवे के होती दीदी? मदर यूनिट के टीकाकरण के बारे में भैया समझे अली है तो अच्छा से समझ लो, 2 घंटा पहले दाना पानी के बर्तन निकाल के बाहर धो देंगे। दाना के बर्तन में दाना न रहता है तो निकालल जरूरी न है दाना के बर्तन। अच्छा अच्छा, तो मदर यूनिट में से अगर दाना खत्म हो गया है बर्तन में से तो न भी निकाल सके? न भी निकाल सके। ठीक है, मदर यूनिट में भैया। हाँ दीदी। सुबह चाहे शाम दो ही टाइम कर ले टीकाकरण। अच्छा अच्छा, वैक्सीन जो चुज्जा के है दुइये टाइम दे, दुइये टाइम दे जाए, सुबह न तो शाम? शाम। ठीक है दीदी, 14 से 18 दिन के चुज्जा हो के चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक। वैक्सीन के समय भैया पानी एकदम साफ हो के चाहिए, शुद्ध हो के चाहिए। वैक्सीन जो है भैया। हाँ दीदी। से बर्फ के अंदर रहे छे, वैक्सीन देला के बाद बर्तन दाना पानी के बर्तन लगले रख दिल जाए छे। 2 घंटा के बाद फिर वो बर्तन वही चूजा के पास अंदर रख दिल जाए छे। अच्छा अच्छा, मतलब वैक्सीन देला के 2 घंटा के बाद दाना और पानी के बर्तन फिर चूजा के बीच में रख दिल जाए? हाँ, दाना पानी निकलला के बाद बर्तन निकालला के बाद मदर यूनिट के 2 भाग में बांट देंगे। अच्छा अच्छा, ये चल के देखू भैया। ठीक है दीदी। भाई अंदर जाए से पहले भैया। हाँ हाँ दीदी। छुन्ना पानी में पैर डाल के तब प्रवेश करम। ऐसा क्या ला दीदी? ये चलते जो बाहरी कोई भी बीमारी हो से अंदर न जाए। अच्छा, भैया 2 भाग में बांट ले छी सबसे पहले। ठीक है। अच्छा दीदी, तो 2 भाग में कैला बांट लिए है मदर यूनिट के? ए लेल भैया कि सारा चूजा 1 भाग में डाल दे ले। अच्छा, खाली करके। अच्छा अच्छा, सारा चूजा मतलब 1 भाग में रहता या 1 भाग खाली रहता? हाँ भैया। अच्छा, ये बच्चा पी लेता है ओकरा के ओ भाग में फिर धो देबे, खाली वाला भाग में? खाली वाला भाग में धो देबे। ओ यही लेल खाली कर जाय छी? हां, यही लेल खाली कर जाय छी। ठीक है दीदी। गंबोरो वैक्सीन भैया। हाँ दीदी। चलू वहाँ के देखा दे छी। अच्छा अच्छा जी, आज पड़ता है? हाँ आज पड़ता है, देखू भैया। हाँ दीदी। मार्केट से गंबोरो वैक्सीन ले ली है। अच्छा अच्छा, यह गंबोरो वैक्सीन है भैया। अच्छा दीदी। आ यह पानी है, बर्फ में रखल है वैक्सीन, यहाँ के हम बाजार से ले लिए है। अच्छा, मार्केट से ले लिए खरीद के? हाँ। गंबोरो वैक्सीन है और ये मिलावे वाला पानी है? हाँ। वो बर्फ में भी डाल ले? हाँ, बर्फ में से निकाल के बर्फ में डाल है। अच्छा अच्छा, इसे सिरिंज है भैया? हाँ दीदी। नाप के मिलावे वाला? अच्छा अच्छा, यही से मिलाएल जाए? हाँ, सीखे आई ली है तो 2 ml पानी में से निकालू। अच्छा अच्छा, 2 ml में से निकाल के तब वैक्सीन में मिलावे ला? हाँ भैया। हाँ भैया, मिल गए? मिल गए दीदी। हाँ मिल गए।
भैया हाँ दीदी ये 1.5 लीटर पानी है। अच्छा इसमें सारा वैक्सीन डाल दियो। डाल दे रहा हूँ। देखो भैया हाँ दीदी दवा पानी मिला दिए। अच्छा अच्छा आम एक के खाली वाला जगह में रख ले चल जाए। हाँ भैया रख ले। अच्छा ठीक है दीदी। भैया मदद कराओ ना। हाँ हाँ मदद करा रहा हूँ। भैया कुछ बच्चा वैक्सीन न पिलक तो पिया के तब तो साइड रख। अच्छा अच्छा ठीक ठीक है। भैया हाँ। सब बच्चा के दवा पिला दिली वैक्सीन। अच्छा तैयो बच गए। हाँ थोड़ा सा बच गए। थोड़ा सा बच गए हाँ। तो सबके बीच रख देवे तब दिन भर में पी जाते। अच्छा अच्छा फिर एकरा वही के बीच में रख दे जाते वही चूजा के बीच में की सारा पी जाते। हाँ सारा पी जाते। ठीक है भैया थोड़ा हेल्प कराता दू। अच्छा अच्छा एकरा मदद कर दू हटावे में। हाँ छोड़ू अहाँ छोड़ू। अच्छा दीदी मदर यूनिट में चूजे के वैक्सीनेशन के बारे में इतने जानकारी दिली और इतने टाइम दिली हमारा साथ एक लेल बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।